अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। लॉन्ग टाइम नो सी। आज काफ़ी दिनों बाद हम लोग अपना ट्रैवल गाइड की वीडियो करने वाले हैं। आई थिंक लास्ट टाइम जो मैंने ट्रैवल गाइड किया था वॉज बैक इन नवम्बर और समथिंग। आज हम लोग जा रहे हैं किधर? मिशेलिन। आज हम लोग जा रहे हैं बेल्जियम के शहर मिशेलिन। बोला एंटवर्प के नज़दीक है। Antwerp के कर, I have no idea हम कहाँ जा रहे हैं। मेरा first time है वहाँ पे, so हम लोग वहाँ पे जाके figure out करेंगे कि क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या देखने की चीज़ें हैं। So I'll take you guys along with me। अब हम मिशेलिन पहुँच गए हैं। हमें एक जगह मिली है जहाँ पे बहुत सारी shops एक साथ हैं। So we thought कि मैं पे रुकते हैं, हम लोग थोड़ी shops वगैरह देखते हैं, वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लेंगे, कोई खाने की चीज़ मिलती है तो देख लेंगे। सो वी आर गोना स्पेंड सम टाइम हियर और फिर हम लोग सिटी सेंटर की तरफ जाएंगे। अब हम फाइनली पहुंच गए सिटी सेंटर में। ड्राइव तकरीबन ढाई घंटे की होनी थी, रास्ता ढाई घंटे का था, बट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक और मौसम हमें पहुँचते हुए तीन घंटे से ऊपर लगे हैं आज। सो वी आर हियर स्टैंडिंग इन द सेंट्रल स्क्वायर। सच प्रिटी बिल्डिंग्स, अच्छा लग रहा है। ये भी चर्च है, एक वेरी प्रिटी चर्च जो काफ़ी स्ट्रीट्स वगैरह भी हैं, उसका काफ़ी पुराना एंटीक सा व्यू है। सो वी आर गोना वॉक अराउंड। यहाँ पे कुछ कैफेज़ वगैरह भी दिख रहे हैं, ओल्ड चर्चेज हैं, शॉप्स वगैरह हैं। सो लेट मी शो यू अराउंड। ये सब छोटे छोटे कैफेज़ बने हुए हैं यहाँ पे एंड वेरी प्रिटी बिल्डिंग्स। ये सब पुराने ज़माने के चर्चेज़ वगैरह अभी तक खड़े हुए हैं एंड दिस इज़ द पेवमेंट। ये पूरी सिटी का आई थिंक इसी की तरह है एंड इट्स वेरी प्रिटी। यहाँ पे कुछ फूड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, बट देन अगेन हमारे खाने की चीज़ें कम होती हैं। सो फार सिटी में व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज़ वेरी मल्टी कल्चरल। मुझे काफ़ी मुस्लिम लोग देखने को मिले हैं एंड नॉट ओनली दे आर इन हिजाब, वो लोग ने पूरे पूरे अबाय पहने हुए विच इज़ वेरी वेरी नाइस। काफ़ी इंडियंस देखने को मिले हैं अभी तक, काफ़ी पाकिस्तानी देखने को मिले हैं अभी तक। सो इट सीम्स लाइक अ वेरी कूल प्लेस। सच प्रिटी शॉप्स, वाओ। अंदर तक गली में कितना प्यारा लग रहा है। यह चलते चलते हमें यहाँ पे ये ब्रिज मिला है, इसके आसपास दोनों जगह पानी है। लुक्स ब्यूटीफुल। जो रोड्स वगैरह हैं इट लुक्स अ लॉट लाइक ब्रूज है ना। वेयर आर यू स्टैंडिंग? ओह माय गॉड। हमें ये रेस्टोरेंट मिला है, आई थिंक हलाल है, इसका नाम है मेराद। सो वी आर गोना गो इन एंड हैव समथिंग टू ईट। We got our menus. We'll see क्या available है क्या नहीं, but it's very busy for this time. अच्छा, हमें मेन्यू देख के पता चला है हम लोग एक टर्किश रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, विच इज़ सो कूल। इनके पास हम्मस है, मेज़े है और ये सब प्राइसेस लिखी हुई हैं यूरोस में, 8 यूरोस, 32 यूरोस, 16 यूरोस, ये एपिटाइजर्स एंड सारे। यहाँ पे सैलड्स हैं, पास्ता है, ये कबाब वगैरह हैं, लॉट टू चूज फ्रॉम, फिश, ग्रिल्ड मिंस स्लैब, लैम्ब ऑन अ स्क्यूअर। ओह या, सीख कबाब होगा मेरे ख्याल में, इसी कबाब। या ठीक है, तो हम लोग एक ये ले रहे हैं तावुक, ओवन प्रिपेयर्ड फिलेट्स ऑफ चिकन विद वेजिटेबल्स सर्व विद राइस। पीने के लिए हम लोगों ने पीना कोलाडा लिया है विदाउट द अल्कोहल ऑफ कोर्स, और सेकंड मेन हमने लिया है चिकन, लैम नहीं लेंगे हम, चिकन लेंगे। डिशेस आर बीइंग सर्व्ड विद सैलड, फ्राइज और राइस। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमारा पीना कोलाडा आ गया। इट लुक्स सो स्टनिंग, वेरी वेरी प्रिटी। ये हमारा एपेटाइज़र आ गया। ये आपने इफ्तारी क्यों ऑर्डर की है? इफ्तारी स्टाइल का खाना, बस इफ्तारी अब तक ही नहीं मेरे लिए। So, how was the appetizer? The cheesy, yeah. Very nice, very cheesy. और इसके साथ वो है रायता टाइप कुछ इधर, but it's very nice.
अंदर ना बिल्कुल वो जुबन टाइप है, वेरी इट्स लाइक मेल्टेड चीज, इट्स लाइक फ्राइड डो विद मेल्टेड चीज, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अरबी में जुबन होता है वो रोल्ड, एग्जैक्टली वो वही है। अब हमारे मेंस आ गए हैं, ये मेरी चिकन है, ये राइस है, कुछ फ्राइज और साथ में ये डिनर स्टाइल, हाँ ये कुछ शवरमा स्टाइल की तरह से उन्होंने चिकन काटी हुई है, एंड वी हैव सम सॉसेस ऑफ कोर्स, यम्मी। आपका खाना कैसा है? बहुत फ्लेवरफुल है, बहुत मज़ा आया। जो चिकन की सालन है ना, बिल्कुल जैसे मामा बनाती है ना, इसका वैसा वाला टेस्ट है, बिल्कुल सालन का वैसा टेस्ट है। आई थिंक अगर बच जाएगा ना तो आई विल लव टू टेक इट होम। हम लोगों ने खाना खा लिया, इट वॉज सो गुड, डिलिशियस, द फूड वॉज अमेजिंग, वेरी टेस्टफुल, द स्टाफ वॉज वेरी फ्रेंडली, वेरी नाइस प्लेस, वेटर वॉज वेरी नाइस। वेटर कहते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं, तो हमने बताया कि हम लोग वैसे पाकिस्तानी हैं मगर अभी हम लक्समबर्ग से यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, तो कहते हैं अच्छा पाकिस्तान से, मैं इस्लामाबाद में रहा था 3 महीने क्योंकि मेरा वहाँ पे पता नहीं रेस्टोरेंट था, वो कहीं से रेस्टोरेंट में काम करता रहा वहाँ पे, तो 3 महीनों के लिए। कहते हैं कि बहुत फ्रेंडली जगह है, बहुत फ्रेंडली लोग थे वहाँ के इस्लामाबाद के, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, तो वी वर टॉकिंग, वेरी वेरी नाइस स्टाफ, बहुत अच्छा खाना था। अब हम लोग दोबारा निकले हैं, आई थिंक ये शहर छोटा सा ही है बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल, तो हम इधर ही स्क्वायर में वॉक अराउंड और करेंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब हम वॉक करते करते एक और ब्रिज के पास आए, यहाँ पे सारी बोट्स खड़ी हुई हैं, लुक्स ब्यूटीफुल, ओह बादल देखो। मुझे नहीं पता वहाँ पे वॉक कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ से कार्स वगैरह पास हो रही हैं, बाबा जी तो जा रहे हैं, वी कैन वॉक देन। ये काफ़ी हद तक जो है ना सिटी, इट रिमाइंड्स मी ऑफ ब्रूज, हम लोग ब्रूज और ब्रसल्स के पास ही हैं इस वक्त, ये दो बहुत मशहूर शहर हैं बेल्जियम के, मगर आज हम लोग इस वाले शहर में आए हुए हैं जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू सी, बाकी जगहों पर हम जा चुके हैं तो हम कोई नई जगह देखना चाह रहे थे, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल, छोटा सा टाउन है, बहुत क्वाइट है, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी पिक्चरेस्क, really like it. Oh, kitna pyara hai. It's a cafe. Yahan pe baith ke khana peena kare with the view. Jab thoda mausam warm hona shuru hoga, I think it will have a lot more people. Stunning. Humne ek choti si grocery shop dekhi yahan pe, to hum andar aa gaye to get some water. It's very cute. Aur andar fresh coffee, यहाँ पे फ्रेश कॉफ़ी ब्रू हो रही है, तो आई थिंक ही इज़ गना गेट सम कॉफ़ी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेरी क्यूट, वेरी क्वाइट, सैटरडे हालांकि बट स्टिल वेरी नाइस एंड क्वाइट, अच्छा होता है क्या ऐसे क्वाइट, और हमेशा एक क्राउडेड वाली, हाँ अभी जो है ब्रसल्स और क्या बोलते हैं दूसरा कौन सा है, ब्रसल्स और ब्रूज, वहाँ पे जाओ इट मस्ट बी एंटवर्प, लाइक इट मस्ट बी क्राउडेड एज हेल, बहुत बहुत लोग होते हैं, बहुत रश होता है, बट इट्स नाइस एंड क्वाइट हियर। हम पानी लेने आए थे, हमने पानी ले लिया, क्यूट बॉटल, अब आपने कॉफ़ी लेनी है, कैट फूड चिम्मा, यहाँ पे फ्रेश कॉफ़ी बना रहे हैं वो लोग, हाउ फन, आई थिंक डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम ऑर्डर कर सकते हैं, ये सब डिफरेंट कॉफ़ी बीन्स हैं, ओके मोहसिन ने ये वाली ली है, विगार इट। अभी इस गली में टर्न हुआ तो हमें बिल्डिंग दिखी, पूरी बिल्डिंग पेंट हुई हुई है, looks so stunning, and again streets वगैरह बहुत quiet हैं, very peaceful, हाँ very very nice। अब हमें walk करते करते normal streets और normal shops मिलना शुरू हुई हैं, कुछ लोग भी हैं, बाहर बारिश हो रही है हल्की हल्की, so we just came inside a shop to look around, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, शाम के तकरीबन 5 बज रहे हैं, पाँच से ऊपर हो गए हैं, हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं सिटी में, लुकिंग एट डिफरेंट थिंग्स, हाँ वेरी नाइस,
होम सेक्शन। इन्होंने टिके चश्मे बड़े अच्छे हैं। अच्छा अब बारिश अभी भी हो रही है, हम बाहर आ गए शॉप से। I just checked the weather report, वो कह रहे थे कि अभी सन है, अब कोई बारिश नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फोन भी पे को खराब है, मतलब झूठी झूठी वो फोरकास्ट करते हैं, झूठे खबर सुना रहे हैं हमें, बिल्कुल ट्रस्ट ना करो फोन को। तो हम ये वाली स्ट्रीट मिली थी जिसमें लोग हैं, इट्स लाइक नॉट वेरी फुल बट स्टिल काफी लोग थे। तो अब हम वापसी घर की तरफ जाएंगे, 5:30 बज रहे हैं, शॉप्स भी बंद होने वाली होंगी, बारिश भी शुरू हो गई है। आई होप यू एंजॉयड टुडेज व्लॉग। हम फिर से आएंगे तो हम आपको और भी जगह दिखाएंगे यहाँ पे। यस, हम लोग और वॉक अराउंड कर सकते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए। विल ईट मोर स्टफ और विल शो यू अराउंड मोर, बट अनटिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, हमारे और भी व्लॉग्स हैं आपको चैनल पे मिलेंगे, आई विल पुट देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो बेल्जियम के व्लॉग्स हैं, स्विट्ज़रलैंड के व्लॉग्स हैं, जर्मनी के व्लॉग्स हैं, फ्रांस के भी हैं। ओ यस, सो मीनवाइल यू कैन वॉच दैट एंड विल कैच यू नेक्स्ट टाइम। लव यू।